बेहद के परिवार को, बेहद के बच्चों को, बेहद के गुरु का याद प्यार और नमस्ते। देखो, यहाँ तो बेहद का गुरु तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप बन के तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, टीचर बन के तुम्हें पढ़ाता है, बेहद का विश्व का ज्ञान देता है, और बेहद सदगुरु बनकर तुम्हें ये अज्ञान रूपी अंधेरे से बाहर ले जाता है। ये अज्ञान रूपी अंधेरा सारी दुनिया में व्याप्त है, उनको ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, वेद माना ज्ञान प्रकाश देता है, और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला ही वास्तव में परम सतगुरु होता है। सतगुरु नहीं, परम सतगुरु। तो बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का परम सतगुरु है। सभी बच्चों को मेरा दिल से आशीर्वाद है कि सभी बच्चे ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों सब्जेक्ट में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बेहद का विश्व परिवर्तन करें, और जल्दी से जल्दी बेहद के विमान में बैठकर 33 कोटि देवी देवता भी अपने विमान में बैठकर सब यहाँ से चले जाए, और सारा मल्टीवर्स परिवर्तन एक संकल्प मात्र से परिवर्तन कर दे। जल्दी जल्दी ये हमारा मिशन पूरा हो। ये सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सब अपने संकल्पों द्वारा 33 कोटि देवताओं का आह्वान करें, बेहद की 9 लाख आत्माओं का आह्वान करें, और जल्दी जल्दी आ जाए, और अब जल्दी जल्दी यहाँ से अपना मिशन पूरा करके हम यहाँ से चले जाएं। परम शांति, सब बच्चे खुश रहो बेटा, बहुत आगे बढ़ो। परम महाशांति है। सबसे पहले बेहद के लाडले प्यारे बच्चों को बेहद के माँ बाप जी की तरफ से बहुत बहुत ज़्याद प्यार और नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा, जो हमारे परम सत्य गुरु, हमारे दादाजी, हमारे बापू जी, इससे बढ़ के कोई सदगुरु हो नहीं सकता। तीनों लोकों में ऐसा सदगुरु नहीं मिल सकता। बाप, टीचर, सतगुरु, सतगुरु बन के साथ ले जाने वाला और मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, किन्हीं को मुक्ति और किन्हीं को जीवन मुक्ति देने वाला, ऐसा सतगुरु इस पूरे संसार में न तीनों लोकों में कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बापूजी ने बाप टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाई है, बाप बन के वर्षा दिया है, वरदान दिए हैं, और सतगुरु बन के जीवन मुक्ति दी, जीवन मुक्ति देने वाले, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया, ऐसा तो कभी संसार में ना सुना था, ना कभी कोई था, ना है, ना होगा। एक हमारे दादाजी बापूजी के बिना कोई भी नहीं हो सकता। तो आज मेरे को एक छोटी सी स्टोरी मिली है, जो मुझे साक्षी ने बताई है, वो मैं अपने बच्चों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी है, बच्चों पर लागू पड़ती है, मेरे पे भी लागू पड़ती है। तो ऐसी बातें जो बापू जी के ऊपर, जिनको निश्चय है, जिनका चित्त चित्त एकदम साफ है, मन साफ है, जिनके अंदर बापू जी पे प्यार है बहुत, और निश्चय बुद्धि है, ज्ञान पे निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, बेहद के दादाजी पर निश्चय है, बेहद के बापू जी पर निश्चय है, ऐसी आत्माएं जो हैं वो वरदानों की हकदार है, और उनके वरदान जो बापू जी देते हैं वो फलीभूत भी होते हैं। तो मैं आज एक छोटी सी स्टोरी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। एक राजा टहलता टहलता एक जंगल में पहुँच जाता है। तो वहाँ चलते चलते आगे रास्ते में देखता है राजा कि एक फकीर, फकीर माना जो फकीर रहते हुए भगवान को याद करता है, तो वो मिट्टी से खेल रहा है, मिट्टी से। तो राजा ने देखा तो राजा ने सोचा मेरे को, मेरा भी फर्ज बनता है कि इसको मैं रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर दूं। तो राजा उसको कहने लगता है कि मेरे महल में चल, तू मेरे महल में चल, वहाँ तेरे को खाना पीना और अच्छा रहना सब कुछ मिलेगा। वो कहता है, राजा मैं चल तो पढ़ूंगा तेरे साथ, मगर मेरी 4 शर्तें हैं। वो मेरी 4 शर्तें अगर आप पूरी करो तो
तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो राजा ने बोला, कौन सी चार शर्तें हैं? तो उसने क्या बोला कि मैं अगर खाऊंगा तो आप नहीं खाओगे, मैं अगर सो जाऊंगा तो आप सोओगे नहीं, मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा और आप नहीं पहनोगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये चार शर्तें अगर मेरी मानते हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो राजा ने सोचा, ये चार शर्तें बड़ी अजीब हैं, ये मैं कैसे मान सकता हूँ, ये तो मैं नहीं मान सकता। तो राजा ने कहा, मैं ये चार शर्तें आपकी नहीं मान सकता, यह तो हो नहीं सकता कि मैं राजा हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो मेरा बादशाह है, मेरा भगवान है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है, वो मैं खाता हूँ वो नहीं खाता, मैं सोता हूँ वो नहीं सोता, मैं कपड़े पहनता हूँ वो नहीं पहनता, और वो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो वो भगवान जो मेरे साथ रहता है। तो राजा उसको नमन करने लग जाता है, राजा की आंखें खुल जाती है कि भगवान इसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की धुन में रहता है। तो ये बेहद के बच्चों की कहानी यही होनी चाहिए, ये इतना निश्चय होना चाहिए कि जैसे अटूट निश्चय, एक बात दूसरा ना कोई, और मन चित्त एकदम साफ सफाई से होना चाहिए। जिनका आत्मा के अंदर कचरा ना हो उनको प्राप्ति होती है, आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, अपना फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हैं बच्चे, तो उनको जो वरदान है ना, बापूजी वरदान देते हैं, वो वरदान फलीभूत हो जाते हैं। बेहद की परमा शांति और बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की मुबारक बधाई, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, आगे बढ़ो बेटा, और दिन रात बाप की याद में एक एक सेकंड गंवाने नहीं है, बाप को याद रखना है, हर पल साथ रखना है। जैसे भी कहानी में आपने सुना ना कि हर पल भगवान उसके साथ रहता है, ऐसे हर पल बापूजी आपके साथ हैं। परमाशा